हेलो, गुड इवनिंग। हाँ, हेलो, गुड इवनिंग। आई एम जस्ट वेटिंग टू चेक इफ आई एम ऑल ऑडिबल, विजिबल। ग्रेट, आई सी माई सेल्फ लाइव ऑन पूला एंड इतना अच्छा लग रहा है बिकॉज आई थिंक आज इस बार हम लोग बहुत दिनों बाद लाइव आए हैं। आप सभी को पता है कि अगर गुरुवार को मैं लाइव आती हूँ तो इट इज़ बिकॉज ऑफ ज्ञानी गुरुवार। ज्ञानी गुरुवार एक ऐसा दिन है जहाँ हम पुणे के काफ़ी एक्सपर्ट्स जो हमारे पास है, हम उन्हें इनवाइट करते हैं टू टॉक अबाउट द डिफरेंट टॉपिक्स, नॉलेज दैट दे कैन शेयर। एंड आज इस बार हमारा जो लाइव है दैट इज़ ऑन IVF एंड AI सॉल्यूशंस। इनफैक्ट हमारे साथ पुणे से साई श्री हॉस्पिटल IVF सेंटर से डॉक्टर गिरीश पोटे, ही इज़ विथ अस, जो हमें बहुत सारा नॉलेज देने वाले हैं। हमने बहुत अच्छे क्वेश्चंस प्रिपेयर करके रखे हैं उनको पूछने के लिए। और इनफैक्ट मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया था कि अगर वो उनके कोई पेशेंट को बीच में भी इनवाइट कर सकते हैं, जहां हम उनसे वो पेशेंट की रियल लाइफ स्टोरी भी सुन सकेंगे एंड यू नो वी कैन रिलेट इट। सो वेरी हैप्पी टू इनवाइट डॉक्टर एंड आई सी ही इज़ जॉइन द कॉल। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई एम गोना वेलकम हिम। एंड टिल द टाइम आप सभी अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को जरूर टैग कीजिए। ओके, सो लेट मी इनवाइट डॉक्टर गिरीश पोटे। हेलो सर, नमस्ते, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, नमस्कार। नमस्कार सर, वेलकम टू ज्ञानी गुरुवार ऑन पूला। एंड आज यू नो यू आर विथ अस फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन पूला। वेरी हैप्पी टू हैव यू। इनफैक्ट हमने आपके बारे में बहुत हमेशा सुना है, अबाउट द IVF एंड टेस्ट ट्यूब बेबी स्पेशलिस्ट कहलाए जाते हो आप। हमारे लिए इनफैक्ट यू नो दीज ऑल आर जस्ट लाइक मिरेकल्स दैट वी सी दैट टेस्ट ट्यूब से बेबी हो रहे हैं। एंड हाउ इज़ इट पॉसिबल? एंड वी आर अ वुमेन प्लेटफॉर्म, यू नो अ लॉट ऑफ पोस्ट कीप्स कमिंग इन कि मुझे बच्चा नहीं हो रहा है या मुझे तकलीफ हो रही है या बहुत साल हो गए ये इशू हो रहे हैं। तो वी थॉट टू डू दिस लाइव सेशन विथ यू एंड आई वुड जस्ट लाइक टू गिव अ वेरी स्मॉल एंड अ क्विक इंट्रोडक्शन आपके बारे में टू ऑल आर लिसनर्स। इनफैक्ट डॉक्टर गिरीश पोटे ही हैज़ 22 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ गायकनोलॉजी एंड IVF। ही इज़ कम्प्लीटेड हिज पोस्ट ग्रेजुएशन इन ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायकनोलॉजी फ्रॉम BJ मेडिकल कॉलेज पुणे। एंड आई एम नॉट अज्यूमिंग, आई अश्योर इट इज़ द बेस्ट कॉलेज ऑफ पुणे फॉर मेडिकल। सो आई नो दैट्स लाइक अ ग्रेट अचीवमेंट। इनफैक्ट ही इज़ रिप्रेजेंटेटेड हिज वर्क एट मेनी नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज। एंड वाइल एट BJ मेडिकल कॉलेज ही हैज़ ट्रेन्ड सेवरल MS। दैट्स ग्रेट। सो डॉक्टर्स हु हैव कम्प्लीटेड देयर पोस्ट ग्रेजुएशन अंडर हिज गाइडेंस। Does just not proving a good doctor, he has mentored many students under his guidance. His expertise as an IVF specialist lies in treating patients over and above the age of 40 years. That's a miracle. That's really nice because generally look, of course, 40 के बाद conceive होना बहुत मुश्किल होता है कहा जाता है। And one such incident under his name is wherein he was able to help a couple enjoy parenthood after 24 years of their marriage. So that's like 24 years is a great number because किसी को शादी के 24 साल बाद जो खुशी मिलती है, आई एम श्योर दे मस्ट बी इन द एज ऑफ अराउंड 45 50। Yes. मार्वलस, ग्रेट जॉब डॉक्टर, ग्रेट। सो दिस इज लाइक रियली अमेजिंग टू हियर अबाउट यू। एंड आर ऑडियंस नो द टॉपिक, बट बिफोर वी गो अहेड, एनीथिंग आप कहना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को आज? आज मैं जो बात कर रहा हूँ वो IVF के बारे में आपके मन में जो भी मिसकंसेप्शंस है या डर है वो सब दूर हो जाना चाहिए, इसलिए मैं आपके सामने आया हूँ। और आपके मन में अगर कोई भी सवाल है IVF के बारे में तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी, और मैं आपका उसका जितना हो सके आपका सारे प्रॉब्लम्स थ्रू माय आंसर्स आई विल ट्राई टू सॉल्व। ग्रेट ग्रेट, रियली नाइस ऑफ यू डॉक्टर। इनफैक्ट सर, सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा बहुत ही सिंपल है कि
जो लेडीज होती है, यू नो व्हाट आर द कॉमन प्रॉब्लम्स दैट दीज पेशेंट्स दैट दे मेंशन, जब वो कंसल्टेशन के लिए आपके पास आते होंगे तो सबसे बेसिक कॉमन प्रॉब्लम्स वो क्या फेस करते हैं? आईवीएस स्पेशलिस्ट होने के कारण मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं यूजुअली दे कम बिकॉज दे आर नॉट एबल टू कंसीव, मतलब बच्चा नहीं हो रहा है, हमने काफी ट्राई किया, घर पे ट्राई किया, कुछ लोकल डॉक्टर के पास गए, फिर भी मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स मेरे पास ज्यादा से ज्यादा आते हैं। उसमें अगर आप देखेंगे तो पीसीओएस के पेशेंट ज्यादा होते हैं, पीसीओडी जिसको हम बोलते हैं उसके पेशेंट ज्यादा होते हैं। कुछ पेशेंट्स को कुछ ट्यूब्स ब्लॉक होती है, किसी का स्पर्म काउंट कम होता है, तो ये सब चीजें जैसे पेशेंट मेरे पास आती है पहले तो हमको उनको क्लिनिकली एग्जामिन करना पड़ता है कि मुझे प्रॉब्लम क्या मिल रही है, इस पेशेंट को सॉल्यूशन क्या देना है, वो तभी पता चलेगा जब मुझे प्रॉब्लम पता है। सो पहले मुझे उनका सारा क्लिनिकल प्रोफाइल मतलब एग्जामिनेशन, एक सोनोग्राफी होता है वो करेंगे, कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, हस्बैंड का सीमेन टेस्ट होता है, और ये सब टेस्ट करने के बाद तो हमको कुछ मिलता है कि बाबा ये प्रॉब्लम है। तो उसमें फिलहाल जो कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है वो पीसीओडी है। पीसीओडी में फीमेल्स को यूजुअली पीरियड्स रेगुलर नहीं आते, 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने के बाद पीरियड्स आते तो ब्लीडिंग भी बहुत ज्यादा होता है ऐसे पेशेंट्स को। तो बेसिक अगर एक बार अपने को प्रॉब्लम का पता चल जाए तो हम उस पर सोल्यूशन अच्छे से दे सकते हैं। तो सर ये जो पीसीओडी है यानी आजकल तो काफ़ी कॉमन हो गया है, बहुत लेडीज़ को पीसीओडी हो रहा है, सो डज दिस इम्पैक्ट यानी फर्टिलिटी एंड कंसेप्शन ऑफ अ वुमेन, यानी ये बहुत बहुत ज़्यादा ही इम्पैक्ट करता है? अभी फिलहाल अगर आप देखेंगे तो अराउंड 20% फीमेल्स दे आर सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी। इसमें क्या होता है, 1 out of 5 या हर महीने में जैसे फीमेल का पीरियड एकदम रेगुलर आता है तो वो पेशेंट्स में उनका जो ओवरी होता है उसमें से एग ग्रो होके रप्चर होता है और तभी उनको पीरियड्स रेगुलर आते हैं। पर पीसीओडी में ये ओव्यूलेशन का प्रोसेस है या बहुत डिले होता है या होता ही नहीं, इसीलिए इनके पीरियड्स 2 महीने 2.5 महीने के बाद होते हैं। अगर ओव्यूलेशन ही नहीं होगा मतलब एग ही बाहर नहीं निकलेगा तो बच्चा होगा ही नहीं, सिर्फ स्पर्म कुछ नहीं कर सकता, तो ऐसे पेशेंट्स में तो कंसीव होने में प्रॉब्लम हो सकती है। यूजुअली ऐसे पेशेंट्स सिंपल मेडिकल कुछ गोलियां होती है उससे कुछ पेशेंट्स कंसीव हो जाते हैं, कुछ पेशेंट्स को आईयूआई की जरूरत पड़ती है, और ऐसे भी कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको आईवीएफ से ही रिजल्ट आता है। तो पीसीओडी प्रॉब्लम यूजुअली अभी हम देखेंगे तो करंट जो लाइफस्टाइल है अभी के लोगों की, तो देयर इज लैक ऑफ एक्सरसाइज, जंक फूड खाना बहुत ज्यादा है, स्लीपिंग हैबिट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, ओवरवेट है लोग, एडिक्शन बहुत ज्यादा है, फ्रूट्स ज्यादा नहीं खा रहे हैं लोग, तो बिकॉज ऑफ ऑल दिस फैक्टर्स, लाइफस्टाइल फैक्टर्स, स्ट्रेस है काम का, रात को 10 बजे शिफ्ट चालू होने वाले लोग हैं जो सुबह 4 बजे शिफ्ट खत्म होती है, तो इनकी नींद ही नहीं होती पूरी, तो ये सब चीजों के कारण ओबेसिटी भी बढ़ी है, स्ट्रेस बढ़ा है, उसके वजह से ये पूरा उनका जो बॉडी का एनवायरमेंट है पूरा डिस्टर्ब है। सो इफ द पेशेंट गोज टू हेल्दी लाइफस्टाइल, जैसे कि अगर एक्सरसाइज डेली 1 आवर करता है पेशेंट, हेल्दी फूड खाता है, फ्रूट्स ज्यादा लेता है, एडिक्वेट स्लीप लेता है, देन बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर्स उसका वेट भी कम हो जाएगा और धीरे धीरे शी विल स्टार्ट ओव्यूलेटिंग नॉर्मल। सो दीज आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ फर्टिलिटी। यस यस। एंड व्हाट अबाउट इफ समबडी हैज लाइक डायबिटीज और थायराइड, डज दैट आल्सो इंपैक्ट फर्टिलिटी? यस, इवन आई विल से थायराइड एबनॉर्मलिटीज आई एम एबल टू सी 10% ऑफ पेशेंट्स। जितने पेशेंट्स मेरे पास आते हैं उसमें से आई विल आउट ऑफ 10 वन पेशेंट विल हैव सम थायराइड प्रॉब्लम। अगर थायराइड आपका बैलेंस नहीं है, बॉडी में थायराइड कम ज्यादा है तो कंसीव होने में प्रॉब्लम होती है। पर थायराइड का एक है, इट इज वेरी इजी टू कंट्रोल थायराइड। ओके, जस्ट बाय अ टैबलेट योर थायराइड कैन कम बैक टू नॉर्मल। पर वैसे डायबिटीज का नहीं है। करेक्ट। डायबिटीज में आपको काफी चीजें करनी पड़ती है। एक तो आपको वेट लॉस करना पड़ेगा, आपको बहुत स्ट्रिक्ट डाइटिंग करनी पड़ेगी, आपको कुछ टैबलेट रहेंगे तो वो लेनी पड़ेगी, और आपका जो डाइट है डेली आपको फिक्स डाइट भी फॉलो करना पड़ेगा। Correct. Once your sugar is controlled, it is like a normal patient. तो फिर आपको conceive होने में problem नहीं आएगा। That's at least good for the people who have thyroid की at least उसके वजह से उतना stressful journey नहीं है, but diabetes वाले लोगों को control करना बहुत जरूरी है। So I think इसलिए younger age से ही जो college going girls है या फिर working girls है, they should
get these tests or some scans? And that is what my next question is, कि are there any kind of blood test या फिर कोई scans, जैसे you know sonography या scans, जिससे पता चलेगा कि उनकी fertility level क्या है? डेफिनेटली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सी अभी अभी अगर मैं पेशेंट्स आई लिव इन वाकड़ एरिया तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आईटी के पब्लिक मेरे पास आते हैं, तो उसमें मुझे ये ट्रेंड देखने को मिलता है कि पेशेंट जब आते हैं मेरे पास तो दे यूजुअली डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। पीरियड्स रेगुलर है, हस्बैंड का सीमेन अच्छा है, खाना वाना खा रहे अच्छे से, स्लीप भी हो रहा है, पर जब मैं उनका एएमएच नाम का एक टेस्ट करता हूँ तो वो बहुत कम आता है। एएमएच क्या होता है? ये एक ब्लड टेस्ट होता है। दिस ब्लड टेस्ट यू कैन डू एनी टाइम, पूरे महीने में आप कभी भी कर सकते हो। इससे हमको पता चलता है कि उसके बॉडी में एग्स की मात्रा या क्वांटिटी कितनी बाकी है। सो यूजुअली ये 2.5 to 4 के बीच में होनी चाहिए, पर वेरी यंग पेशेंट्स अभी हमारे पास आ रहे हैं, उनका एएमएच इज 0.6, 0.8, 0.9, दैट मींस एक क्वांटिटी बहुत कम हो चुकी है, पर पेशेंट को कुछ पता ही नहीं है क्योंकि उसको कुछ सिम्टम ही नहीं है, डॉक्टर के पास गए ही नहीं कभी। सो बिकॉज इट इज असिम्प्टोमेटिक, पेशेंट इज अनअवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स। करेक्ट करंट जो ट्रेंड है तो एजुकेशन चलता है पहले, दैट विल कंटिन्यू टिल 25, 26, 27, उसके बाद शादी होती है, फिर पेशेंट बोलते हैं नहीं तुरंत बच्चा नहीं करेंगे, थोड़ा रुकेंगे, सेटल करेंगे, घर लेंगे, फिर हम बच्चे के बारे में सोचेंगे। सो बाय द टाइम शी क्रॉसेस हर एज ऑफ 30, उसके बाद उनको पता चलता है अरे अभी तो मुझे कंसीव भी नहीं हो रहा है, 1 साल हो गए हम लोग ट्राई कर रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है, देन दे गो टू अ डॉक्टर। जब डॉक्टर टेस्ट करते तो ये पता चलता है एंड देन द पेशेंट इज शॉक। सो अगर एक सिंपल एएमएच करके टेस्ट भी करते हैं, यू कैन गो टू एनी गुड लैब और वहां पे जाके आप एएमएच भी बोलेंगे तो वो कर लेंगे। और एक पीरियड के सेकेंड या थर्ड डे पे एक सोनोग्राफी होती है जिसको हम बोलते हैं कि एएफसी, एंट्रल फॉलिकल काउंट, मतलब आपके ओवरी में कितने एग्स दिख रहे हैं उस टाइम पे, उससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि आपका एग रिजर्व, ओवेरियन रिजर्व कितना है। अगर वो अच्छा है तो आप सोच सकते हैं कि नहीं मैं थोड़ा बाद में भी प्लान कर सकते। अगर अच्छा नहीं है आपका अकाउंट तो आपको जल्दी प्लान करना चाहिए। अगर आप जल्दी प्लान भी नहीं कर सकते, आपका अकाउंट भी कम है पर आपकी शादी हो चुकी है, तो आप एम्ब्रियो बना के फ्रीज कर फ्रीज कर सकते सकते हैं। हैं। मतलब अभी एम्ब्रियोस बनाओ, 10 साल के बाद बच्चा करो, मेक योर बेबी स्टोर एंड डिलीवर देम व्हेनेवर यू वांट। अगर आपकी शादी नहीं हुई है, आपने सिर्फ एएमएच किया और आपको लग रहा है कि नहीं कम है, तो आपका एग फ्रीजिंग भी कर सकते। सो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। मतलब अभी एक फ्रीजिंग, अभी मोस्ट ऑफ द फिल्म स्टार्स दे आर डूइंग एग फ्रीजिंग क्योंकि उनको पता है कि उनको कंसीव बाद में 35 के बाद ही करना है, तो अभी यंग एज में वो एग फ्रीज करके रखते हैं और बाद में व्हेनेवर दे आर फ्री दे गो फॉर मेकिंग द बेबी। मेडिकल साइंस इज ग्रोइंग डे बाय डे एंड सच अमेजिंग प्रोसीजर्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। बट डॉक्टर, जैसे अभी हमने जो सब बात की है, दैट इज अबाउट वुमेन इनफर्टिलिटी, एंड जनरली जब भी एक कपल में बच्चा नहीं हो रहा है, इट इज 100% टाइम्स अ वुमेन इज ब्लेम्ड। यू नो, कोई ये नहीं सोचता है कि अच्छा आदमी में भी तो इश्यूज हो सकते हैं। सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आर देर ऑल्सो मेल्स हु हैव फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स? यानी व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द फर्टिलिटी ऑफ अ मेल? जैसे हमने फीमेल के बारे में बात किया, तो मेल की अगर फर्टिलिटी को क्या अफेक्ट होता है? मैं आपको बताऊं, अगर मेरे पास 100 पेशेंट्स आएंगे इनफर्टिलिटी के, 40% ऑफ द टाइम्स मेल इज रिस्पांसिबल। बट दे आर नॉट ब्लेम्ड, इट्स ऑलवेज अ वुमन हु इज ब्लेम्ड इन द फैमिली। करेक्ट करेक्ट, दैट इज बिकॉज़ दे आर नॉट, नोबडी इज टेस्टेड। करेक्ट, या जब हम टेस्ट करते तो हमको पता चलता है कि 40% मेल इज रिस्पांसिबल, 40% फीमेल इज रिस्पांसिबल एंड 20% बोथ आर रिस्पांसिबल। करेक्ट। सो जब मेल में सिर्फ एक ही टेस्ट जरूरी है, वो है उनका सीमेन टेस्ट। अगर हम सीमेन एनालिसिस करेंगे तो उसके भी काफी अच्छे मशीन्स आए अभी, तो AI यूज करके हम लोग सीमेन टेस्ट करते हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है उसका स्पर्म का काउंट, उसके बाद में इम्पोर्टेंट है उसकी मोटिलिटी, काउंट शुड बी मोर देन 16 मिलियन, मोटिलिटी शुड बी मोर देन 40%, और मॉर्फोलॉजी मतलब स्पर्म दिखने में कैसा है। स्पर्म बहुत है पर अगर एक भी दिखने में अच्छा नहीं है, नॉर्मल नहीं है, तो कुछ फायदा नहीं। ये सारी चीजें अगर हम देखेंगे तो यू कैन सी कि 40% मेल्स दे हैव अ प्रॉब्लम विद देयर स्पर्म्स। एक DFI करके भी टेस्ट आता है, उसमें DNA फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स, मतलब कितने स्पर्म्स उनके डैमेज है, कितना परसेंट स्पर्म को डैमेज हुआ है, वो पता चलता है। तो वो भी टेस्ट करने से पता चलता है कि काफी सारे मेल्स के DFI जो है वो बहुत हाई है,
अब ये हाई होने के कारण क्या है, सेम अगर आप करंट देखोगे सिचुएशन, मेनी पेशेंट्स दे आर एडिक्टेड टू स्मोकिंग, एडिक्टेड टू अल्कोहल और भी कुछ, टोबैको, गुटखा, ये सब चीजें हैं, और एक्सरसाइज ऑलमोस्ट आई विल से आउट ऑफ 10 ओनली 1% इज डूइंग एक्सरसाइज. सो बहुत मेजर फैक्टर है कि एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं है सालों से. वर्किंग आवर्स आर वेरी ऑड, कुछ पेशेंट्स एकदम क्रेजी जैसे ट्रैवल करते हैं, बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग रहता है उनका. सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स उनका स्पर्म भी डैमेज हो रहा है, और जब ट्रैवल करेंगे तो बाहर ही खाएंगे, बाहर खाएंगे हेल्दी नहीं रहेगा. और फ्रूट्स तो घर में नहीं लाते हैं, ऐसे मैंने पूछा कितने लोगों से, आप घर में महीने में कितनी बार फ्रूट्स लाते हैं, उनको सोचना पड़ता है. सो दैट इज द करंट सिचुएशन. सो जंक फूड, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ओवरवेट, एडिक्शंस, इनएडिक्वेट स्लीप, ये सब चीजों की वजह से स्पर्म बहुत डैमेज हो गया. तो मेल इज ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल एज फीमेल्स. तो फीमेल है ऐसा बिल्कुल नहीं. थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर इसके बारे में नॉलेज देने के लिए. यू नो, बिकॉज बहुत बार ऐसे ही होता है कि घर में लोग समझ ही नहीं पाते कि एक आदमी में भी प्रॉब्लम हो सकती है. यू नो, ये हमेशा औरतों को ही ब्लेम किया जाता है. इनफैक्ट आज के ज़माने में ओवर वर्किंग इज़ ग्लैमराइज, यानी मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बहुत काम कर रहा हूँ, यू नो, उसको बहुत हाईली सुपरफिशियल माना जाता है कि अरे वाह यार ये कितना अच्छा काम करता है. आई रियली डोंट बिलीव इन दैट. मुझे लगता है कि जितने आवर्स हमने काम करना चाहिए 8 घंटे उतना ही करो. अगर आप स्मार्ट काम करते हो तो और भी कम कर सकते हो, बिकॉज द रेस्ट ऑफ द टाइम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव इट टू योर सेल्फ, योर फैमिली, योर बॉडी, एवरीथिंग, यू नो, एंड दैट इज हाउ यू कैन हैव अ हेल्दी लाइफ स्टाइल. बट अ लॉट ऑफ पीपल, नॉट ओनली मैन, अ लॉट ऑफ वुमेन ऑल्सो, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ ओवर हियर, वो लोग ये नहीं समझ पाते कि ओवर वर्किंग इज नॉट ग्लैमरस, इनफैक्ट इट इज अनहेल्दी, और वो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी उनके लाइफ में. सो थैंक यू इसके बारे में इनफैक्ट लाइट डालने के लिए. डॉक्टर, आपने एक बात कही थी लो स्पर्म काउंट, और आपने कुछ कहा था 16 मिलियन और ये सब जो बताया था. तो लो स्पर्म काउंट से मुझे समझ में आ रहा है कि ऑफकोर्स कंसीविंग में इशू होता होगा, बिकॉज अ नंबर ऑफ सर्टन नंबर ऑफ उसमें स्पर्म्स या जो भी लगते होंगे. मिस कैरेज के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है. जिन पेशेंट्स में DFI हाई होता है, हाँ, उनमें अगर प्रेगनेंसी आती है तो चांसेस ऑफ मिस कैरेज इज हाई. तो अगर रिपीटेड मिसकैरेजेस है, एक आध मिसकैरेज इज वेरी कॉमन, तो उसके लिए हम इमीडिएटली कुछ नहीं करते. पर अगर रिपीटेड मिसकैरेजेस हो रहे तो हमको ये सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं. उनको कैरियोटाइपिंग करके टेस्ट होता है, तो उनके क्रोमोसोम्स चेक होते हैं, वो सब नॉर्मल है क्या, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, तो वो चेक होता है, फिर उनका DFI चेक होता है. अगर ये हाई है then there is increased chance of miscarriage. कभी कभी यूट्रस के अंदर भी कभी कभी सेप्टम होता है या कुछ एडिजन्स होते हैं. सो देर आर मेनी फैक्टर्स लीडिंग टू मिसकैरेज, बट डेफिनेटली दिस हाई DFI इज ऑल्सो वन फैक्टर जिसके वजह से मिसकैरेजेस ज्यादा है. और इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं? DFI सुधारना है तो आपको लाइफस्टाइल सुधारनी पड़ेगी. ओके, अगेन बैक टू स्क्वायर रूट, द सेम, द बैक टू बेसिक्स. करेक्ट, अगली मैरिज करना पड़ेगा. पहले जमाने में क्या होता था, 20-22 साल में शादी होती थी, 25 साल तक फैमिली कंप्लीट होती थी. करेक्ट, मतलब हम बोलते हैं कितना जल्दी शादी किया. अभी आप देखोगे कि शादी 30 के बाद हो रही है तो बच्चा ही नहीं हो रहा. सो मेन फर्टिलिटी टाइम जो है फीमेल का, दैट्स द फर्टाइल टाइम, जो 20 से 25 के बीच में, वहां पे वो वेरी हाईली फर्टाइल होती है. उस टाइम पे आपको बहुत कम बार मिलेगा कि उसका एक काउंट कम हो गया. जब उसके पास एग है हम बच्चा नहीं कर रहे, जब नहीं है तब हमको बच्चा चाहिए तो कहां से मिलेगा. डॉक्टर, जैसे आज जो हमारा टॉपिक है IVF, बट मैंने एक और टर्म बहुत हमेशा सुना है IUI, और जितना मुझे नॉलेज है आई थिंक IUI इज द फर्स्ट स्टेप और उसके बाद IVF करते हैं. और कैन यू एक्सप्लेन, आई थिंक यू आर बेटर टू हेल्प अस अंडरस्टैंड कि IUI क्या होता है, IVF क्या होता है, एंड जब एक पेशेंट आपके पास आता है तो हाउ डू यू डिसाइड कि इसको IUI कराना है कि IVF कराना है?10 के ऊपर है 10 to 16, तो हम लोग क्या करते हैं, जो स्पर्म लेते हैं उसमें से बेस्ट क्वालिटी स्पर्म सिर्फ सेपरेट करते हैं,
उसको हम स्पर्म वॉशिंग बोलते हैं, और वो स्पर्म हम यूट्रस के अंदर यहाँ पे छोड़ देते हैं जस्ट अबव द सर्विक्स। सो नॉर्मल रिलेशन में सीमेन यहाँ पे जाता है और स्पर्म अपने आप ऊपर ट्रैवल करता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अच्छे क्वालिटी के स्पर्म यहाँ पे छोड़ देते हैं। सो दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन नेचुरल इंटरकोर्स और IUI। पर IUI से क्या होता है, हम सिर्फ अच्छे वाले स्पर्म ही अंदर छोड़ते हैं, फिल्टर करते हैं। तो स्पर्म काउंट कम है उनमें कर सकते हैं, और अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी मतलब ट्यूब्स भी नॉर्मल है, ओवुलेशन भी रेगुलर हो रहा है, स्पर्म काउंट भी अच्छा है, फिर भी प्रेगनेंसी नेचुरली भी नहीं हो रही और टैबलेट के ट्रीटमेंट से भी नहीं हो रही। तो उसका नेक्स्ट स्टेप आता है IUI। वी कैन गो अहेड विद IUI फॉर मैक्सिमम 6 साइकल्स IUI के, या 3 से 6 साइकिल मैक्सिमम IUI कर सकते हैं। अगर उसमें रिजल्ट नहीं आता है देन वी गो टू IV। इज इट पेनफुल? इट्स नॉट पेनफुल, IUI इज नॉट पेनफुल, इवन IVF इज नॉट पेनफुल। तो IVF के क्या स्टेजेस होते हैं? यू नो बहुत बार हमने सुना है कि यू नो पीपल हैव दीज मिथ्स कि IVF में बेड रेस्ट होता है, पेनफुल होता है, यानी इसके बारे में आप थोड़ा सा बता पाएंगे? नेचुरल अगर आप इंटरकोर्स का सक्सेस रेट देखेंगे तो रफली 8-10% इज द सक्सेस रेट विद नेचुरल इंटरकोर्स पर मंथ बोल रहा हूं। ओके, IUI से ये सक्सेस रेट 2-3% बढ़ता है, सो इट बिकम्स 12-15% मैक्सिमम। बट IVF का सक्सेस रेट इज 60-70%। ओके, इतना ज्यादा बढ़ता है। IVF में अलग क्या होता है, हम लोग पेशेंट्स को इंजेक्शन देते हैं, इंजेक्शन देने से उसका जो ओवरी है, ये ओवरी ओवरी के अंदर जो छोटे छोटे एग्स होते हैं वो बड़े हो जाते हैं। एक बार वो एग्स बड़े हो जाएंगे तो हम उनके बॉडी में से एग्स बाहर निकाल लेते हैं। तो ये ऐसा एक चार्ट है, आप देखेंगे यहाँ पे कि ये यूट्रस है, ये ओवरीज है। तो ये सोनोग्राफी गाइडेड ही हम ट्रांस वजाइनली उनके एग्स जो है वो ट्यूब में यहाँ पे निकाल लिया, तो टेस्ट ट्यूब में। तो ये एग्स एक बार बाहर निकल गए, हम लोग इसमें स्पर्म इंजेक्शन से अंदर छोड़ते हैं, उसको हम इक्सी बोलते हैं। स्पर्म अंदर छोड़ने के बाद ये एम्ब्रियो बन जाता है ऐसा, और ये एम्ब्रियो फिर बाद में हम लोग यूट्रस के अंदर छोड़ देते हैं। पर IVF में डिफरेंस क्या है कि एग्स बाहर निकालने के बाद यू कैन सी कि एक क्वालिटी कैसी है, जो पहले किसी भी ट्रीटमेंट में हमको पता नहीं चलती है क्योंकि एग दिखता ही नहीं है। यहाँ पे हम एक माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो हमको पता चलता है कि एग की क्वालिटी कैसी है। अगर एग क्वालिटी अच्छी है देन यू हैव वेरी गुड चांस ऑफ वेरी गुड क्वालिटी एम्ब्रियो। एग अच्छा होना चाहिए, स्पर्म अच्छा होना चाहिए, अगर दोनों भी अच्छे हैं तो आपका एम्ब्रियो अच्छा बनेगा। अगर आपका एम्ब्रियो अच्छा है देन यू हैव वेरी गुड चांस ऑफ प्रेगनेंसी। और IVF में हम लोग एक साथ में 2 एम्ब्रियो अंदर छोड़ते हैं, डेफिनेटली द चांस ऑफ प्रेगनेंसी इज इंक्रीज एज कम्पेयर टू योर IUI नेचुरल। सो IVF तो इसमें पेनफुल इंजेक्शन तो आपने काफी बार लिए होंगे, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कभी टीटी का इंजेक्शन लगाओ, टीटी तो बहुत पेनफुल है, ये इंजेक्शन जो होते हैं वो उतना पेनफुल नहीं होते। ओके, पर इसका ड्यूरेशन ज्यादा होता है, पर इंजेक्शन पेशेंट टॉलरेट करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ओके, एंड सर डॉक्टर इसमें कोई बेड रेस्ट वगैरह भी कहा जाता है? बिल्कुल नहीं, आवर पेशेंट्स दे वर्क थ्रू आउट 9 months। ओके, IVF के दिन, ट्रांसफर के दिन वो रहते हैं, उधर से उठ के वो घर पे आधे घंटे के बाद वे टेक द मेडिसिन, दे वॉक होम। ओके, दे क्लाइम 3 stairs, मतलब उनका तीसरे माले पे घर है, लिफ्ट नहीं है, ऐसे वाले भी पेशेंट्स हैं। तो वो ऊपर जा सकते हैं, रोज नीचे ऊपर करते हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह करने को हॉस्पिटल में ही आते हैं, तो ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। ब्लड टेस्ट इज इंडिकेटेड ओनली इन आई वुड से 1% पेशेंट्स जिनको कभी ब्लीडिंग हुआ, तो उनको हम एक 8-10 दिन के लिए बेड रेस्ट देते, बाकी किसी पेशेंट्स को बेड रेस्ट की जरूरत नहीं होती। अब पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं वो काफी दूर से आते हैं, IUI में आपने कहा 3-6 attempts मैक्सिमम कर सकते हैं, IVF में आप कितने भी कर सकते हैं। ओके, one patient we have done who has come from some other country, 11 IVF cycle fail ho gaya tha hamare paas, so hamare paas second attempt mein she got pregnancy and she delivered also. How nice. एंड डॉक्टर, जैसे आई नो जब IVF लॉन्च हुआ था वे इयर्स अगो, तब ना 3-4 एम्ब्रियो इंसर्ट करते थे, फिर 3 करते थे, फिर जैसे 2 करने लग गए, इसलिए लोगों को ट्रिपलेट्स बहुत होते थे IVF के थ्रू, ट्विंस होते थे। अभी भी 2 डालते ही है या 1 डालते हैं?
अभी जो करंट गाइडलाइंस है तो उसमें हम लोग दो डाल सकते हैं, बट इफ पेशेंट चूजेस टू पुट वन एम्ब्रियो कि नहीं मुझे एक ही बच्चा चाहिए, आप एक ही डालो, तो मैं एक भी डाल सकते हैं. ओके. एक डालने का साइड इफेक्ट ऐसा होता है कि द रिजल्ट रिड्यूसेस. करेक्ट. दो डालेंगे मतलब दोनों इम्प्लांट होंगे ऐसे बिल्कुल नहीं. वो भी डालेंगे तो एक ही बेबी डेवलप हो सकता है, या दो या एक, यानी वैसा है. तो दो डालने से थोड़ा सक्सेस रेट बढ़ता है, एक डालेंगे तो सक्सेस रेट कम हो जाता है. पर इन सर्टन स्पेशल सिचुएशंस हम तीन एम्ब्रियोज भी डाल सकते हैं, मल्टीपल आईवीएफ साइकिल फेल्ड है तो उसमें हम तीन भी डाल सकते हैं. करेक्ट. डॉक्टर, अगर किसी को जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आईवीएफ एकदम सक्सेसफुल करना है, तो ऐसे कोई टिप्स है जो आप उनको देना चाहोगे? लाइफस्टाइल चेंजेस मोस्ट इम्पोर्टेंट, फिर से वही एक्सरसाइज डेली 1 आवर, लॉट ऑफ फ्रूट्स खाना है, बाहर का खाना पूरा बंद करना है, जंक फूड बंद करना है, वेट ज्यादा है तो वेट रिड्यूस करना है, 8 घंटे की नींद होनी चाहिए. तो ये सब चीजें अगर करेंगे तो डेफिनेटली बॉडी विल बिकम कंडीसिव और इमीडिएटली प्रेगनेंसी आ जाएगी. One of my patients was obese, so I had advised her कि आप थोड़ा वजन कम करके फिर आ जाओ, फिर हमको रिजल्ट अच्छा आएगा. And you won't believe, 6 महीने में वो पेशेंट ने 20 kg वजन कम किया. And when she came back to me, she was pregnant. She came pregnant. So weight plays a very very important role. Natural pregnant हो गया है मेरे पास, मैंने IVF नहीं किया उसका. So weight also basically plays. I think we're going back to the basics about a healthy lifestyle. जैसे आपने कहा कि इन सब चीज़ों का जैसे मेन आई थिंक अपार्ट फ्रॉम द मेडिसिन वुड बी मेंटेनिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल, ईट राइट एंड मूव अ लॉट, एक्सरसाइज करो, अच्छा सोना, अच्छा खाना, आई थिंक ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करता है. डॉक्टर, एज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. जैसे अभी आपने हमें एक एग्जाम्पल दिया था कि दैट लेडी वॉज 50, जैसे आपने कहा कि आपके पेशेंट्स बहुत सारे जो है 40 के अबव है, बट जो कंसेप्शन में बेसिकली क्या कहना है आपका एज जब हम बात करते हैं, एंड 40 के बाद नेचुरली कंसीव कर पाते हैं क्या, या क्या है? बिकॉज जैसे हमने डिस्कस किया कि आपने कहा 35 के बाद लोग आज शादी कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स कंसीविंग की भी एज बढ़ जाती है. जैसे फीमेल्स में एज बढ़ने से उनका एग काउंट कम हो जाता है, जैसे आफ्टर एज ऑफ 35 एएमएच गोज ऑन रिड्यूसिंग, आफ्टर 40 तो बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस होता है. सो यूजुअली ये पेशेंट्स में हमको एग्स की क्वांटिटी जो मिलती है वो बहुत कम रहती है. अगर मुझे कम एग्स मिलेंगे तो एम्ब्रियोस कम मिलेंगे, उसका उससे तैयार होने वाले एम्ब्रियोस भी कम हो जाएंगे, एंड देन द चांस ऑफ प्रेगनेंसी रिड्यूसेस. कभी कभी तो मेरे पास मेनोपॉज के बाद भी पेशेंट आते हैं, आपका एज ऑफ 45 अभी मेरे पीरियड्स रुक गए, मेरा एक बच्चा था 22 साल का पर उसका एक्सीडेंट हो गया, अभी मेरे पास एक भी बच्चा नहीं है तो मैं क्या करूँ. तो जब पीरियड्स रुक जाते हैं पर उसका यूट्रस अगर अच्छा है तो डेफिनेटली हम डोनर एग्स लेके हस्बैंड का स्पर्म यूज करके हम बच्चा बना के उसके यूट्रस में छोड़ते हैं. दो शी हैज मेनोपॉज तो भी उसके यूट्रस में बन सकता है बच्चा. आई हैव मिनिमम 10 पेशेंट्स जो मेनोपॉज के बाद इस तरह से बच्चा उन्होंने लूज किया है, एंड नाउ शी हैज दे आर अगेन प्रेग्नेंट एंड सम हैव डिलीवर्ड आल्सो. सो इज दिस लाइक सरोगेसी जो कहते हैं? नहीं नहीं मैम, सरोगेसी में कैसे होता है, द बेबी ग्रोज इन समबडी एल्सस यूट्रस. सपोज एक कपल है और वो फीमेल का यूट्रस अगर नहीं है, यूट्रस किसी और का ले रहे हैं बट स्पर्म एंड ओवरीज माँ बाप के ही है. यस, बायोलॉजिकल पेरेंट का स्पर्म और एग होगा और बेबी ग्रो किसी और के यूट्रस में. इज दिस लीगल इन इंडिया नाउ? बिकॉज फ्यू इयर्स तक नहीं था ये. इट इज लीगल, उसका अभी नया अभी लॉ आया है तो उस हिसाब से अभी हम लीगली इंडिया में कर सकते हैं सर्विस. You know, actually at times I'm amazed to know the kind of science, medical science आते जा रहा है, develop होते जा रहा है, और कभी कभी डर भी लगता है कि कोई लोग इसका misuse ना करे, you know, and don't make it a business. तो बहुत बार दोनों ख्याल आता है. Of course, it's for the benefit of mankind. It's for the benefit of ladies who are not able to conceive naturally. And I'm sure a lot of ladies have experienced and benefited from you, you know, with the treatment of IVF, IUI. Doctor, मेरा एक जैसे question था कि IVF में भी miscarriage हो सकता है, is what I've heard. Correct. तो उसके क्या signs होते हैं कि जैसे या causes होते हैं कि IVF के through भी अगर conceive होने के बाद कुछ miscarriage हो रहा है? IVF pregnancy और natural pregnancy में फर्क क्या है? जो पहले 5 दिन का प्रोसेस आपके बॉडी के अंदर होता है, जैसे कि ओवुलेशन, फिर स्पर्म जाके फर्टिलाइज करता है और इम्प्लांटेशन, तो ये पहले 5 दिन का बॉडी नेचुरल प्रेगनेंसी में फीमेल के अंदर होता है. ये प्रोसेस हम लोग बाहर लैब में कर रहे हैं,
एक बार लैब में बेबी 5 डेज का हो जाए, वो बेबी आपके यूट्रस में छोड़ देते हैं, वहां से आगे 9 महीने का पूरा प्रोसेस सेम होता है लाइक अ नेचुरल प्रेगनेंसी। तो जो नेचुरल प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन होगा वो सारे कॉम्प्लिकेशंस आपको आईवीएफ में मिले, जैसे कि मिसकैरेज है, तो मिसकैरेज के साइंस एंड सिम्टम्स क्या होंगे, पेशेंट को थोड़ा ब्लीडिंग होगा, थोड़ा पेट में दर्द हो सकता है, पेशेंट को डॉक्टर के पास जाना है, फिर डॉक्टर चेक करेंगे, सोनोग्राफी करेंगे, बेबी का हार्ट एक्टिविटी कैसा है वो देखेंगे, और फिर वो पेशेंट को उस हिसाब से ट्रीटमेंट देंगे। सम मिसकैरेजेस वी कैन डेफिनेटली अवॉइड, पर कुछ कुछ हम अवॉइड नहीं कर सकते। ओके ओके डॉक्टर, आई सी योर पेशेंट आम्रपाली हैज जॉइन द कॉल बट आई एम अनएबल टू सी हर, वन सेकेंड। आम्रपाली, हाय आम्रपाली, कैन यू हियर अस? हेलो, नो शी इज लेफ्ट द कॉल, आई थिंक शी वॉज ट्राइंग टू जॉइन द कॉल, इफ शी कम्स इन आई विल ऐड हर। ठीक है, सो ग्रेट डॉक्टर, आपने उसके बारे में बताया। कभी कभी ना हमने, जैसे अभी आपने मेनोपॉज के बारे में बोला कि मेनोपॉज में भी कुछ लोग कंसीव हो करते हैं, वन सेकेंड शी इज जॉइंड इन। हेलो आम्रपाली, कैन यू सी अस? या हाय आम्रपाली, हेलो, यस शी इज देयर। हेलो हेलो हेलो, या हाय, वेलकम टू पूलास ज्ञानी गुरुवार सेशन एंड वी वेलकम यू टू द लाइव सेशन। हाय बेबी, व्हाट इज योर नेम? हेलो, माय नेम इज तक्ष। तक्ष, दैट्स अ ब्यूटिफुल नेम। आम्रपाली, आपको पता है कि आज हमने आपको इनवाइट किया। हेलो सर, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। सो आज आपको पता है कि हमने इनवाइट किया आपको बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट IVF एंड द मिरेकल्स दैट पीपल एक्सपीरियंस उनके लाइफ में। तो हमें एक्चुअली डॉक्टर गिरीश पोटे से हम बहुत देर से बात कर रहे हैं टू नो अबाउट यू नो IVF और कैसे सक्सेस होता है। आपकी कहानी अगर बता पाएंगे तो इट विल बी वेरी नाइस टू आर ऑडियंस। आप मराठी, हिंदी, इंग्लिश, जो लैंग्वेज में बोलना चाहते हैं आप बोल सकते हो। कहानी मतलब ये है कि सर के वजह से ये कंप्लीट हो चुका है। आप अच्छा, लेट मी आस्क यू क्वेश्चंस, क्या एज के थे आप जब आपने सर के पास? मेरा एज तब 36 था। राइट, वन ईयर एंड हाफ ईयर हो चुका है। फर्स्ट मेरा IVF का ये मतलब सक्सेसफुल हुआ था, लेकिन कुछ इश्यू के वजह से वो ग्रोथ नहीं कर पाया। लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट में लेना ही नहीं चाहती थी, सिर्फ सर की वजह से मैंने लिया है। वो सर ने फिर बताया था, ठीक से लीड किया, मतलब कुछ गाइड बहुत अच्छे से किया, तो उनकी वजह से मैंने वो सेकेंड अटेम्प्ट लिया, वो सक्सेसफुल हो गया। लेकिन मेरा थोड़ा भी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम था, क्रिटिकल था, लेकिन फिर भी सर ने बहुत कामली पेशेंट से बहुत ठीक से समझाया हमें, और उसके बाद ये सक्सेस हो चुका है। IVF मतलब बेस्ट है। That's really nice. तो जैसे आपने कहा कि आप 36 years के थे तभी आपने सर को अप्रोच किया, तो उसके पहले आप basically naturally ही try कर रहे थे for a lot of years। Naturally भी और naturally इतना भी नहीं बोल सकती, उसके पहले वाले जो थे सब check वो मैं कर चुकी हूँ, सब कर चुकी थी, और मेरा इतना अच्छा experience हर किसी से नहीं था। मतलब अच्छा, उसे बोलना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी बोल रही हूँ कि इतना तो नहीं था, लेकिन कितने लोग हैं, सर कुछ ध्यान देते हैं, इसके लिए बहुत बढ़िया है वो चीज। उनकी वजह से ही हो चुका है, उनकी टीम बहुत अच्छी है वहाँ पे, सब लोग आपको, आप आपका कैमरा ना डायगोनली रख सकते हो, हॉरिजॉन्टली, तो वो आपको ज्यादा, हाँ करेक्ट। तक्ष,
एंड अमरपाली आपको यानी ऑफ कोर्स जैसे जब पता चला कि अभी आपका आईवीएफ सक्सेसफुल हो गया है एंड द बेबी इज ग्रोइंग, आई एम श्योर एक बहुत अलग फीलिंग आई होगी या क्लाउड नाइन बोलते ना वैसे पापा तो बोलते और लेकिन वो ज्यादा मैं किसी से बात शेयर नहीं कर पाई थी उस टाइम पे क्योंकि वो हर स्टेप अलग अलग रहता है। जैसे 3 months कंप्लीट होने के बाद आप करेक्ट शेयर कर सकते हो न्यूज़ डॉक्टर उनको मतलब हमें ठीक से बताते कि हमें कब क्या करना चाहिए कब बताने मुझे बहुत ही मतलब मेरा बहुत सच में बहुत क्रिटिकल स्टेज था लेकिन सर ने पता नहीं कैसे सर ने बहुत कामली वो सब कुछ हैंडल किया है और रोक गया है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। एंड हाउ ओल्ड इज योर सन नाउ? 1 year and 2 months completed. Lovely, lovely, lovely. So you are what now, around 40? आप कोई टिप्स देना चाहोगे हमारे जो लेडीज सुन रहे हैं उनको कुछ ऐसे एडवाइस देना चाहोगे टिप्स देना चाहोगे आपके जर्नी की वजह से? टिप्स तो वैसे कुछ नहीं, आप अपने डॉक्टर के ऊपर पूरा भरोसा कर लीजिए पहली बात तो, और वो जैसे मेडिसिन या फिर जो भी आपको बोलते हैं वो ठीक से किया ना तो सब कुछ हो जाता है। सो बेसिकली फॉलो योर डॉक्टर्स एडवाइस इज आपका मंत्र कि आप जो डॉक्टर बोल रहे हैं वो फॉलो कीजिए तो उसकी वजह से सबसे सब कुछ सक्सेसफुल होगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच। नहीं नहीं मैं आपका टाइम नहीं लूंगी और आई एम श्योर आपका बच्चा भी रो रहा है, नो प्रॉब्लम, बट थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द कॉल। तक्ष बी अ गुड बॉय, गॉड ब्लेस यू। ठीक है अमरापाली, यू कैन डिस्कनेक्ट द कॉल। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय। थैंक यू अमरापाली, थैंक यू सर। ग्रेट, यू नो इतना अच्छा लगता है डॉक्टर ऐसे लाइव एग्जांपल सुनने के लिए, टू सी दो स्माइल्स ऑन द फेसेस, बिकॉज हमने आई श्योर उन्होंने काफी साल यू नो पहले तो तकलीफ में पाए होंगे एंड कौन माँ नहीं बनना चाहता है, कौन बाप नहीं बनना चाहता है, कौन अपने घर में बच्चा नहीं लाना चाहता है, यू नो एवरीबडी एवरी कपल दे ऑफ कोर्स यू नो वांट टू हैव अ किड अंटिल अनलेस दे हैव अ डिसीजन ऑफ नॉट हैविंग किड्स, दैट्स डिफरेंट। सो गॉड ब्लेस यू, आई फेल्ट रियली नाइस टॉकिंग टू दिस पेशेंट। एंड जैसे अमरपाली ने कहा कि जो आपके डॉक्टर आपको टिप्स देते हैं या जो गाइड करते हैं वो बहुत ज़रूरी है फॉलो करना, और अगर आप वो राइटली फॉलो करो तो आईवीएफ सक्सेसफुल होता ही है। ग्रेट, आपने ये एक बेबी देखा, वी हैव क्रॉस 600 बेबीज, 600 बेबीज, दैट्स मार्वेलस, मार्वेलस सर, ग्रेट ग्रेट, रियली नाइस टू हियर दैट एंड नो कि आपने 600 फैमिलीज में खुशियां ऑफ कोर्स लाई है। डॉक्टर, मूविंग टू वन ऑफ माय क्वेश्चंस अबाउट पोस्ट मेनोपॉजल, कुछ कुछ लोगों को ना ब्लीडिंग और पेन होता है, सो is there something can be done in that to prevent it? Yes, yes. See, ये बहुत important question है। लोग क्या करते हैं कि periods अभी मेरे बंद हो गए, अभी कभी 3-4 साल बाद थोड़ा ब्लीडिंग हुआ, तो लोग बोलते हैं हाँ हुआ होगा, कुछ नहीं करेंगे, पीरियड तो बंद हो गए, अपने आप बंद हो जाएगा। तो यूजुअली ऐसे केसेस में क्या होता है, हमको पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग has to be taken seriously. ऐसे केसेस में एक बार आपका पीरियड बंद हो जाए आपको ब्लीडिंग होना ही नहीं चाहिए। ब्लीडिंग होता है तो आपको एक सोनोग्राफी करनी पड़ती है अंदर का लाइनिंग चेक करने के लिए, और एक हिस्ट्रोस्कोपी करके प्रोसीजर होता है। आपके यूट्रस के अंदर हम कैमरा डालते हैं और अंदर के लाइनिंग का बायोप्सी लेते हैं टू रूल आउट कैंसर। दिस कैन बी अ साइन ऑफ कैंसर, वो बिल्कुल भी आपको उसको लाइटली नहीं लेना है, जाके डॉक्टर से मिलना ही है, ये एक बात है। और दूसरी एक बात है कि यूजुअली पेरिमेनोपॉजल पीरियड में जैसे कि 42-43 में फीमेल्स को मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटीज आ जाती है, जैसे कि ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रहा है या ब्लीडिंग बहुत कम हो रहा है या पेट में दर्द हो रहा है,
तो ऐसे केसेस में भी फीमेल क्या बोलते हैं, पीरियड आया तो पीरियड तो जाएगा ही ब्लीडिंग, इस बार थोड़ा ज्यादा गया तो उसमें क्या है। बट ऐसे करते हैं पेशेंट्स, और ऐसे काफी पेशेंट्स मेरे पास आते हैं कि 6 महीने से 1 साल से उनको ब्लीडिंग इससे ज्यादा हो रहा है, और जब हम लोग उनको एग्जामिन करते तो हमको यूट्रस में फाइब्रॉइड दिखते हैं, कुछ गांठ रहते हैं फाइब्रॉइड करके यूट्रस के अंदर वो रहते हैं। तो ऐसे केसेस में आप घर पे बैठ के टैबलेट से ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, आपको वो यूट्रस निकालना ही पड़ता है। अभी बहुत अच्छे टेक्निक्स आए यूट्रस निकालने के, अभी ऐसे भी एक सर्जरी है जिसमें पेट के ऊपर एक भी स्टिच नहीं आएगा और आपका यूट्रस निकल जाएगा। ये वजाइनली ही हम यूट्रस निकाल सकते हैं, नीचे से ही निकाल सकते हैं। सो द बेस्ट वे टू रिमूव योर यूट्रस इज वजाइनल, वेयर पेट के ऊपर एक भी स्टिच नहीं आएगा। आज ऑपरेशन करो, परसों सुबह घर जाओ। सो देयर इज बेसिकली स्टिचलेस, लैप्रोस्कोपिक एंड ओपन, करेक्ट। ऐसे 3 टाइप के टाइप्स होते हैं यूट्रस निकालने के, और इसमें से आप कह रहे हो सबसे बेस्ट इज Stitchless. Stitchless. उसके बाद आता है laparoscopy और उसके बाद आता है open. अभी उसके भी indications है, अगर uterus बहुत ही ज़्यादा बड़ा है तो नीचे से नहीं निकल सकता, तो हम open या laparoscopic technique से उसको निकाल सकते हैं। या uterus का सिर्फ fibroid निकालना है तो वो हम open या laparoscopic technique से निकाल सकते हैं, नीचे से नहीं आ सकता बाहर। तो ये रहता है, डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट हम चूज कर सकते हैं। पर अगर आपका यूट्रस निकालना है तो द बेस्ट मेथड टू रिमूव योर यूट्रस इज वजाइनल। अगर वो पॉसिबल नहीं है देन वी हैव टू थिंक ऑफ सेकंड ऑप्शन दैट इज लैप्रोस्कोपी, और वो भी ऑप्शन पॉसिबल नहीं है तो थर्ड ऑप्शन इज योर ओपन सर्जरी, जैसे अपन पूरा बड़ा काट के निकालते हैं उस तरह से। सो बेसिकली दीस 3 आर अवेलेबल नाउ टू एज पर रिमूविंग ऑफ यूट्रस इज व्हाट यू आर सेइंग। करेक्ट करेक्ट, ग्रेट ग्रेट डॉक्टर। एक क्वेश्चन आई थिंक मैंने लिखा था बट मैं मिस हो गया पूछने के लिए, कि जनरली ना काफ़ी बार डॉक्टर्स फॉलिक एसिड, विटामिन सी, ये सब टैबलेट्स देते हैं टू हैव अ हेल्दी पीरियड साइकिल, और यू से IVF साइकिल और समथिंग, तो इसका क्या रोल है इसमें, यानी व्हाट, हाउ इम्पोर्टेंट और मेजर इज इट? फॉलिक एसिड और विटामिन B12 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्री कंसेप्शन केयर में आता है। मतलब सो डज दिस लीड टू अ हेल्दी प्रेगनेंसी और अ हेल्दी बेबी? इट लीड्स टू अ हेल्दी बेबी। ओके, बेबी में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स बोलते हैं, मतलब ब्रेन के स्पाइन के जो एबनॉर्मलिटीज रहते हैं। तो अभी कभी कभी बच्चों के यहाँ पे आपको बड़ी बड़ी गांठ दिखती है, तो वो जो मेनिंगोसेल, माइलोसेल, ये सब चीजें रहती है ना, वो फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो इसीलिए सारे पेशेंट्स को हम लोग फोलिक एसिड प्रेगनेंसी रहने से पहले 3 महीने एडवाइस करते हैं। पर पेशेंट प्रेगनेंसी हो रहने से पहले आते ही नहीं है, दे कम आफ्टर दे गेट प्रेग्नेंट, सो देन वी विल गिव देम आफ्टर दे कम टू अस। बट आइडियली ऑल फीमेल्स बिफोर देयर प्लान प्रेगनेंसी दे शुड टेक फोलिक एसिड फॉर 3 months। पॉसिबल है अनप्लान प्रेगनेंसी या फिर सरप्राइज में, इसमें नहीं पॉसिबल करना चाहिए। जैसे विटामिन सी भी है, विटामिन सी बहुत ही अच्छा है टिश्यू बिल्डिंग के लिए, मतलब आपके बेबी तैयार होने में मदद करेगा, हीलिंग में मदद करता है। तो विटामिन सी, विटामिन B12, फोलिक एसिड, एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन विटामिन डी आल्सो लेना चाहिए, और ये नेचुरली पॉसिबल नहीं है थ्रू फूड्स। फूड से मिलता है विटामिन सी, आपके सारे सिट्रस फूड है उसमें आपको मिल जाएगा, पर फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन बेटर है। विटामिन डी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दही में मिलता है आपको, नॉनवेज में मिलता है आपको, पर उतना लोगों से खाया नहीं जाता। इंडियन डाइट में वो ज्यादा चीजें ये नहीं इन्वॉल्व नहीं करते लोग, तो अगर आप सप्लीमेंटेशन लेते हो तो हो जाता है। फिर आप इंजेक्शन भी आते हैं विटामिन B12 के, सो डिपेंडिंग अपॉन आपके B12 लेवल्स के हिसाब से वो डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे। ओके ग्रेट। So doctor, I'm mostly done with all the questions I had, but two questions that I want to again ask you is, एक तो जैसे आपने कहा कि 600 बच्चे पैदा हुए हैं आपके थ्रू इन आपके क्लिनिक में, ऐसा कोई पेशेंट था या कोई बच्चा था which was very very different to handle, very difficult? We don't need names, we don't need anything, we just trying to understand, you know, because this gives hope to a lot of ladies who are going through the worst come worst case. तो ऐसा कुछ आप बताना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? राइट, अभी एक नया लॉ है ARP लॉ, उसके हिसाब से फीमेल्स में 50 के बाद IVF नहीं कर सकते, मेल्स में 55 के बाद IVF नहीं कर सकते। पर ये लॉ आने से पहले हमारी एक पेशेंट थी, शी वाज 53 इयर्स ओल्ड, और वो हमारे पास आई कि मुझे बेबी चाहिए। तब हमने उसमें 3 एम्ब्रियो ट्रांसफर किए थे, तीनों के तीनों उसने पकड़ लिए, मतलब शी गॉट प्रेग्नेंट विद ऑल 3 एम्ब्रियोस।
और फिर यूजुअली हम क्या करते हैं कि तीसरे महीने में सोनोग्राफी करके देखते हैं और बोलते हैं कि अभी हम तीन नहीं रखेंगे, एक ही रखेंगे आपका एज देखेंगे। बट उसको कुछ बीपी का भी थोड़ा सा तकलीफ था, थोड़ा हार्ट का प्रॉब्लम था, पर वो मानी नहीं। वो बोली भाई सर मुझे तीनों चाहिए, मैं कुछ भी हुआ तो भी चलेगा, मैं रिस्क लेने को तैयार हूँ, आप मेरा ये सब ठीक करके दो। सो देन वी वेयर ऑल्सो कि अभी ये पेशेंट के कंसेंट के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने वो कंटिन्यू किया। एंड दैट पेशेंट took all the three babies at the age of 53 for 9 months. फिर हमने उसको deliver किया, उसको तीन babies, एक boy, दो girl हुए, and all the three babies are absolutely fine now. अभी भी वो patient मुझे मिलने आती है, बच्चे के मुझे photo भेजती है. The oldest patient that we have done long back is 56 years. 56 years? My mother-in-law is 56. और उसका सेम हुआ था, उसका बेबी ड्यू टू सम रीजन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में, ओह माय गॉड, एंड देन शी केम टू अस। फार्मर थी, बहुत पुअर थी, बहुत दूर से आई थी, पर वो हमने उस ट्राई किया एंड देन शी गॉट प्रेग्नेंट, एंड लकीली उसको कुछ नहीं हुआ, नो कॉम्प्लिकेशन, नौ महीने अच्छे से गए, डिलीवर हो गए, बाद में फीमेल चाइल्ड हुआ, मेरे पास बेबी लेके भी आई थी एक बार, वेरी हैप्पी। हाउ नाइस, व्हाट लवली, सो गुड टू हियर दिस। यानी लेडीज एट द एज ऑफ 53 56 भी अगर कंसीव कर पा रहे हैं थ्रू आईवीएस, आई एम श्योर कि पेशेंट है जिसको मार्फन सिंड्रोम था, मतलब है कि एनोमली होती है क्रोमोसोमल डिफेक्ट फीमेल्स में, उसमें हार्ट डिफेक्ट्स हो सकते हैं, उनका हाइपर फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, उनका कोलेजन थोड़ा डिफेक्टिव रहता है। तो वो पेशेंट आई थी उसके हस्बैंड के साथ, और वो अपने बच्चे में वो नहीं चाहती थी, मार्फन आगे नहीं जाना चाहिए, तो हमने फिर उसका एम्ब्रियो बनाया, एम्ब्रियो उसके 10-12 एम्ब्रियो बने, हम हर एम्ब्रियो की हमने बायोप्सी की और उसमें से हमने नॉर्मल एम्ब्रियो ढूंढा कि जिसमें वो बीमारी नहीं है, और वो एम्ब्रियो हमने उसके अंदर छोड़ा, एंड लकीली शी गॉट प्रेग्नेंट, शी गॉट डिलीवर। बाद में हमने बेबी को भी चेक किया, बेबी इज एब्सोल्युटली फाइन नाउ, दे आर वेरी हैप्पी। वाओ, आई मीन टू से ये ना आपके लिए तो इतनी इजी है बात करना कि हमने बस ये अदरक और लहसुन को मिक्स किया और हमने ये सब्जी बना दी और हमने, यू नो, इट्स दैट काइंड ऑफ इजी फॉर यू, बट इट साउंड्स वेरी वेरी मैजिकल टू अस। आई एम श्योर देर इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, आई एम श्योर देर इज अ लॉट ऑफ पेशेंस, टाइम, एफर्ट्स दैट गोज इन टू दिस, एंड हैट्स ऑफ टू एवरी पेशेंट टू, बिकॉज आई एम श्योर अपार्ट फ्रॉम द फिजिकल उनको मेंटल स्ट्रेस भी काफ़ी होता होगा, अप्स डाउन्स होते होंगे, या तो वो सब भी मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है अलॉन्ग विथ द फिजिकल जर्नी। सो हैट्स ऑफ टू यू, योर टीम, डॉक्टर। एंड टूडे बिफोर वी एंड द वीडियो, इज देर एनी मैसेज दैट यू वुड लाइक टू गिव आर ऑडियंस? डेफिनेटली जिन पेशेंट्स को बेबी नहीं है उनको यू कैन एनकरेज टू गो अहेड विद आईवीएफ। डॉक्टर्स कैन गिव यू ट्रीटमेंट एज वेल एज मेंटल सपोर्ट, जैसे अभी के पेशेंट ने आपको बताया कि नहीं सर मेरे साथ थे पूरा 9 महीने, सो वो मेंटल सपोर्ट भी हम लोग देते हैं, तो आप अकेले नहीं हो इस जर्नी में, वी आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू, वी विल गिव अवर 100%। और इफ अ फीमेल हैज अ गुड यूट्रस देन शी हैज टू हैव अ चाइल्ड, सो वी कैन हेल्प हर आउट इन एनी कंडीशन। अगर उसके पास यूट्रस अच्छा है तो बच्चा उसको होना ही होना है, होप्स बिल्कुल नहीं छोड़ने। तो दैट इज द ओनली मैसेज। और लाइफस्टाइल चेंजेस मैंने बहुत बार बोला है अभी, very important, all females should do the bachcha chahiye nahi chahiye wo material hai, but this lifestyle changes currently is very important, jaise aapko maine do teen baar example dekh ke bataya. great, thank you so much doctor. And to, for everyone, Sai Shri clinic infertility center is at Wakad, correct doctor? This is at Wakad. We are actually hamara abhi ka building Aund mein hai. Okay. But we are starting a new hospital in Wakad. Okay. Hum dono taraf rahenge after 6 months. Currently we are in Aund. Agar aap road map mein bhi dhoondoge to aapko mil jayenge. Sai Shri Infertility and Test Tube. So another branch is coming in Wakad. To dono jagah hoga fir. Yes. ओके, एंड आई हैव पिंड द कॉन्टैक्ट नंबर फॉर अपॉइंटमेंट्स, तो ये कमेंट्स में ही है, इफ एनीबडी विशेज टू टेक अ अपॉइंटमेंट, इवन यू नो एट टाइम्स इट्स नॉट ओनली अबाउट कंसीविंग, इवन इफ यू जस्ट वांट टू गो एंड चेक, जैसे डॉक्टर ने अभी हमारे पूरे सेशन में बताया, जो लेडीज है हुव गॉट मैरिड, इफ दे वांट टू चेक देयर ओवरीज हाउ हेल्दी दे आर, और यू नो दे वांट टू चेक द स्पर्म्स ऑफ द मैन एज हाउ फिट यू आर टू गेट अ बेबी इवन आफ्टर फ्यू ईयर्स, ये सब चीज़ों के लिए भी आप अपॉइंटमेंट्स ले सकते हो। यू कैन यू नो understand the Pandora of what is available for you at their clinic, कितनी चीज़ें available हैं, आपको अभी बच्चा नहीं चाहिए, चाहिए आप right guidance ले सकते हो उनसे, तो एक call पर आपको उनका appointment मिल सकता है, जो number हमारे comments में है। and
डॉक्टर, इट वॉज़ अ वंडरफुल सेशन. यानी मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि IVF ऑफ कोर्स एक ऐसा टॉपिक है, प्रेगनेंसी एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक मैरिड लेडी के बहुत करीब होता है. एवरी एज आई सेड, एवरी लेडी वॉन्ट्स टू कंसीव. एंड आई ऑलवेज टेल दिस टू अ लॉट ऑफ वुमेन दैट एवरीथिंग हैपन्स गुड एट द एंड, एंड इफ इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट द एंड. तो उसके आगे भी होप्स होंगे, उसके आगे भी हमेशा टनल में, एंड ऑफ द टनल लाइट दिखती ही रहेगी. तो कीप ट्राइंग अंटिल अनलेस यू डोंट वांट टू फोर्स योर बॉडी. सी, इट्स ऑल अबाउट अ पर्सनल चॉइस. यानी आज अगर आपको ये डिसीजन लेना है तो आप लीजिए, डोंट टेक इट बिकॉज फैमिली वाले क्या कहेंगे. इट इज़ अबाउट यू एज यू एंड योर हस्बैंड, वॉट यू वॉन्ट टूगेदर. तो उसके हिसाब से ये डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है. एंड लवली सेशन डॉक्टर, वील कीप कमिंग बैक टू यू. इनफैक्ट वील कीप इन्वाइटिंग यू फॉर मोर सेशंस. एंड आई श्योर होप ये 600 से 6,000 से 60,000 नंबर्स बढ़ते जाए, एंड मोर फैमिलीज में ऐसे हैप्पीनेस मिलते जाए. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू एंड यू हैव अ ग्रेट इवनिंग. गुड बाय. सो दैट वॉज डॉक्टर गिरीश पोटे फ्रॉम साई श्री इनफर्टिलिटी सेंटर. एंड आई माई वन सेकेंड. That was Dr. Girish Pote. Sorry, I had a very important message. That was Dr. Girish Pote from Sai Shri Hospitals. और जो आज का हमारा पूरा टॉक था, इट वॉज अबाउट IVF एंड यू नो हाउ यू कैन कंसीव, हाउ इज द लाइफ बिफोर आफ्टर, क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे. और मेरा टेक अवे आज ये सेशन से है कि कोई भी प्रॉब्लम हो, आई थिंक उसके लिए सबसे पहले हेल्दी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइफस्टाइल आपकी बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छे हैबिट्स अपनाना, अच्छा फूड, एक्सरसाइज, स्लीप, नॉट ओवर वर्किंग, नॉट ओवर स्ट्रेसिंग. तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टू कीप योर सेल्फ हेल्दी एंड देन अडेप्ट द ग्रोथ. सो आई एम गोना टेक अवे दिस की पॉइंट फ्रॉम द एंटायर सेशन. एंड टैग, कीप टैगिंग जो भी, अगर आप सुन रहे हो हमें, ये सेशन हमेशा ही पूला पे रहेगा, कभी डिलीट ना नहीं होगा. और आप आपके कोई भी फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, किसको भी टैग कर सकते हो. इसका ये मतलब नहीं है कि उनको प्रेग्नेंट होना है, बट इसका ये मतलब है कि उनको नॉलेज पाना है, क्योंकि आज है ज्ञानी गुरुवार और ज्ञानी गुरुवार के दिन हम लाते हैं अमेजिंग सेशंस विद अमेजिंग स्पीकर्स. यू ऑल टेक गुड गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू सून एट अ नेक्स्ट सेशन. गुड बाय.